जय दोस्तों, मैं गौरव यादव, गौरव फिजिकल एकेडमी गुना से। तो जो ट्रेनिंग के बाद में जो आप लोगों को हमने बोला था कि 14 से 15 बच्चे इंडियन आर्मी के अंदर अभी तक गए हैं, और अभी तक टोटल सिलेक्शन एकेडमी से 380 बच्चों के पूर्ण रूप से हो चुके हैं। उनमें से हमारे एक शिवराज सैनी, जो कि आपको बताएंगे कि शिवराज सैनी की पोस्टिंग अभी मतलब में ट्रेनिंग कहाँ चल रही है, ट्रेनिंग इसके बाद में ट्रेनिंग सेंटर में क्या होता है, और कितने महीने के अंदर इन्होंने अपनी दौड़ निकाली थी, और पूरा ये अपना पूरा बायोडाटा देंगे। चलो, मैं अभी हैदराबाद में ट्रेन कर रहा हूँ और मेरी बेसिक कंप्लीट हो चुकी है। बेसिक होती है जो 4.5 महीने की होती है, वो कंप्लीट हो गई है, 19 वीक की होती है। अब मैं यहाँ, मुझे छुट्टी मिली है बेसिक के बाद, रिलैक्सेशन के लिए छुट्टी मिलती है। इसके बाद एडवांस होती है, एडवांस में 4 कैटेगरी हैं, 4 में अब वो मिल जाएगी हमको, जाएंगे जब कौन सी कैटेगरी में डालेंगे। ट्रेड में हुआ, जीडी में हुआ है? मेरा जनरल ड्यूटी में हुआ है, जनरल सोल्जर ड्यूटी। अच्छा, तुमने कितने महीने प्रैक्टिस करके ये दौड़ अपनी निकाली है? मैं भैया के पास आया था सिर्फ 15 दिन के लिए। भैया ही, मैं गांव पे ही था, तो भैया ने, मैंने फॉर्म डाल दिया था, मैं करता था गांव पे ही वैसे ही सिंपल ही, तो भैया मेरे को मिले तो बोले कि चल तू मेरे ही पास आ जा। तो 15 दिन में मैंने यहाँ प्रैक्टिस की है, 15 दिन में मैंने सब कुछ निकाल दिया था, और मेरी फर्स्ट टाइम भर्ती है ये, पहली भर्ती थी। और क्या, बारहवीं पास हुआ है या फिर बीएससी बीए कंप्लीट हो चुका है? नहीं, मैं 12th पास हुआ हूँ और फर्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन कर रहा था। आप फर्स्ट ईयर में पहुँचे हो? हाँ, आप फर्स्ट ईयर में अभी पहुँचा है हमारा ये फौजी शिवराज सैनी, और अभी तक बारहवीं पास हुआ था 15 दिन। मैं बच्चों को बोल रहा था 1 महीने, लेकिन देखिए फौजी खुद बोल रहा है कि 15 दिन मात्र यहाँ प्रैक्टिस की है। अच्छा, इसके पहले अपन दोनों ने कहाँ पर रनिंग की है? हम सर के साथ में स्कूल में थे, फ्रेंड जे सीनियर थे, मैं जूनियर था, और साथ में ही रहते थे, साथ में ही गेम खेलते थे, रनिंग भी बहुत की हमने। और भैया तो संभाग और आगे आगे स्टेट लेवल और नेशनल के लिए भी गए हैं भैया तो रनिंग में, और अभी भी जाते होंगे। और ये आपको बता रहे हैं कि जब हम पढ़ाई करते थे उस समय हम नेशनल खेलते थे, ये हमारी रिले टीम में भी होता था। हम दोनों, हमारे दोनों के बलबूते पे हमारे जो हाउस होता था स्कूल के अंदर, उस हाउस को हम फर्स्ट लेकर आते थे। दूसरा रहता था कि जब ये हमारे साथ प्रैक्टिस करते थे तो मुझे पता था कि ये बंदा निकल सकता है। जैसे ही इसका 12th पास आउट हुआ, इसने बोला कि सर मैं गोला फेंक में अपना करियर बनाना चाहता हूँ, या क्रिकेट में बनाना चाहता हूँ, या वॉलीबॉल में। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, बस तू 15 दिन मेरे पास आके मेहनत कर ले और अपन बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। तो इसको भी लगा कि जो बच्चे 4 महीने से दौड़ रहे हैं और मैं 15 दिन में कैसे करूँगा। बट क्या है कि एक डॉक्टर को पता होता है जब उसका ट्रीटमेंट सही जगह चल रहा होता है, तो हमें पता था कि इसको कितना वर्कआउट देना है, कितना वर्कआउट छोड़ना है, कब इसको मारना है, तो वो सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, वर्कआउट के समय कोई पिटाई वगैरह हुई कभी तुम्हारी? नहीं, मेरी किसी बात पे पिटाई नहीं। कभी गाली माली पड़ी हो? कोई भी गाली माली नहीं पड़ी, कोई ना गाली पड़ी है ना पिटाई हुई है। हर टेस्ट में पास हो जाता, हर टेस्ट में पास होकर यहाँ से जाता था, और फाइनली वहाँ जाके अभी तुम्हारे साथ हैदराबाद में कौन कौन है? और मेरे साथ हैदराबाद में नेपाल है, वो 1 ट्रेनिंग में, मैं 2 ट्रेनिंग में हूँ। अब 7 शायद 7 में हो सकते हैं, क्योंकि अब चेंज हो जाएगी पूरी ट्रेनिंग। बिल्कुल, जो भी। अच्छा, जो नए बच्चे तैयारी कर रहे हैं इंडियन आर्मी को, उनके लिए क्या मोटिवेशन देना चाहोगे कि वो इस फील्ड में आएं, और कैसे वो अपनी पूरी तैयारी को करें? जो नए बच्चे आते हैं वो हार्डवर्क ज़्यादा करें, रनिंग पे फोकस दे, और अपर बॉडी पे जितना भी फोकस दें ना वो ठीक रहेगा, क्योंकि वहाँ जो एक्सरसाइज कराई जाती है पूरी अपर बॉडी पे कराई जाती है, और जो भी वहाँ की थकार के हार मान रहे हैं, हौसला नहीं है कि अब मेरे से कुछ नहीं होगा, तो उससे कुछ भी नहीं होगा, और मन में ठान रखा है कि मैं ये करूँगा, करके ही रहूँगा, तो वो कर सकता है। वहाँ हमारे टेस्ट होते थे, वो 2400 मीटर का टेस्ट होता था, 9 मिनट में लेते हैं एक्सीलेंस को, तो वहाँ हम पहले शुरू में स्टार्टिंग में मैंने भी कि यार आज तो एक्सीलेंस नहीं, गुड में आएंगे, तो गुड में ही आते थे, कोई मतलब नहीं गुड में आए, गुड में आ जाएंगे, गुड में ही आते थे, और ठान लिया कि आज तो एक्सीलेंस में आना है, 5 बंदों में ही आना है, तो 5 में ही आते थे। मन से रहता है, जो भी करते हैं वो मन से रहता है। क्वेश्चन है, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, कि इसके पहले तुमने कोई पढ़ाई करी थी आर्मी के पेपर की, या कोई सिलेबस पता था कि ये सिर्फ दौड़ निकालने के बाद में पूरी लगन से निकाल लिया? दौड़ निकाली थी पहले, तो मुझे कुछ पता नहीं था, क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम में था, हिंदी मीडियम का कुछ पता नहीं था, और वहाँ मैं गया था यहीं पहले, तो भैया ने पढ़ाया था 10-12 दिन के लिए, तो 2 महीने लॉकडाउन से पहले, 2 महीने लॉकडाउन के बाद वहाँ प्रैक्टिस की थी। उसमें सिर्फ जो बुक में आता है, बुक में रहता है, वही आता है, बुक के बाहर तो 10-12 क्वेश्चन आते हैं,
उसके अलावा कुछ नहीं आता। बिल्कुल। अच्छा, कितने घंटे तुम लोग पढ़ाई करते थे, कितने लोग थे तुम जो रूम लेके वहाँ एक साथ रहते थे तब? हम थे 13 लोग थे एक साथ में, पहले तो 13 थे, फिर लॉकडाउन के बाद चेंज हो गए थे, 6 बंदे दूसरे साइड चले गए, 6 तो हम पढ़ते थे, कभी कभार तो 18 घंटे पढ़ते थे। 18 घंटे और क्या, वो पढ़ रहा है, मैं भी देख के मैं पढ़ने लगा, वो सो गया तो अपन पढ़ते रहोगे। जो लकी है जो ना के रात को पढ़ता था, ये नेपाल पाल रात को ना लेता था तो उससे क्या नींद नहीं आती थी, पूरी रात पढ़ता था, दिन को 1-2 घंटे के लिए कोचिंग से आके फिर सोता था। देखो ऐसे होती है पढ़ाई कि ये लोग एक दूसरे के रूम के सामने रहते थे तो इनको देखता था कि सामने वाले का भी बल्ब जल रहा है, मतलब सामने वाला पढ़ रहा है, तो मैं अगर सो गया तो उसका तो भी बल्ब जल रहा है, तो ये सिर्फ ये देखते थे कि 3 बजे बल्ब अभी भी जल रहा है, 6 बजे तक पढ़ना फिर भी देख रहा है कि बल्ब जल रहा है, 7 बजे तक, मतलब 8 बजे से ये लोग बैठते थे, पूरी रात रात भर पढ़ाई चलती थी। क्योंकि मेरी तो रात में भी इन लोगों से बात होती थी, भैया कैसे पढ़ रहे हो, कोई डीमोटिवेट हो रहा है तो उनको देखना पड़ती है, दूसरा ये भी देखना पड़ती है कि कहीं ऐसा ना हो कि सिर्फ बल्ब भी जल रहा हो रात में बंदा सो रहा हो, तो चेकआउट भी करवाते थे इनको। तीसरा ऐसा भी रहता था, कुछ बच्चों का डिमांड थी कि सर मैं अकेला ही रहना चाहता हूँ, अकेले जो रहना चाहते हैं कह रहे थे कि उनको समझ नहीं आता कि पढ़ना है या फ़ोन पर भी बात करना है, तो वो गड़बड़ कर लेते हैं, इसलिए फिर इनको फ़ोन वगैरह 1 महीने के लिए व्हाट्सएप वगैरह सब कुछ इनके बंद करवा दिए थे। जब वो सारी चीज़ें बंद हो गई तब जाके ये रिजल्ट निकलना चालू हुए। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।